एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और एक महीने का ब्रेक जो कि मच नीडेड था ब्रेक लिया मैंने, बट नाउ इट्स टाइम टू कम बैक टू वर्क। तो मैं एकदम फुल फ्लेजेडली वर्क पे नहीं आऊंगी ऑब्वियसली, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं बैक एंड पे, बट हाँ छोटा मोटा जो भी है अपडेट्स और अब वो भी काम है वो भी करना जरूरी है, बहुत ब्रेक भी नहीं ले सकते हैं। और फॉर मेरा भी मुझे भी अच्छा लगेगा काम करूंगी तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। मम्मी मुझे बहुत दिन से बोल रही है तो अपना काम क्यों नहीं चालू कर रही हो, मैं बोल रही थी मम्मी दिखाऊंगी क्या दिखाऊंगी, बट ठीक है अभी छोटा मोटा जो भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं पापा के लिए व्हील चेयर लेने के लिए। अभी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस में आता है कि आप अंकल को दिखाइए अंकल को दिखाइए अंकल को दिखाइए, तो मैं अभी तो पापा को नहीं दिखाऊंगी जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं हो जाते और जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ अब दिखाने की कंडीशन में वो। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि क्या होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत तरीके के वो रखते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे, तो सब अलग अलग वो रखेंगे और अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से नहीं बट थोड़ा वो करके हम काफ़ी गैदर करके मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, हम सिचुएशंस बोल लो या जो भी बोल लो, तो उसमें अब इस तरीके का एक नेगेटिव सेंटेंस भी ना हमको हिट कर जाता है कि रिकवरी है। अगर हम जैसे हम लोग ऐसे रिकवरी नहीं कंपेयर कर रहे हैं कि एकदम से पापा खड़े होकर चलने लग जाएंगे, बट हम ऐसे कंपेयर करते हैं कि लास्ट डे क्या था उससे सिचुएशन आज कैसी है, तो उससे रिकवरी है इम्प्रूवमेंट है। तो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट है मतलब उनकी फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के 3-4 डेज बाद से ही स्टार्ट हो गई थी, तो अभी कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी चलती है, सुबह होती है शाम को एक केयरटेकर आता है वो करवाता है, रात में फिजियोथेरेपी मैं कराती हूँ, तो 3 बार होती है, थोड़े थोड़े कम टाइम के लिए होती है मतलब 5 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसी होती है बट होती है। तो अभी फिजियोथेरेपिस्ट ने हमारे सजेस्ट किया हुआ है कि व्हील चेयर पर धीरे धीरे बिठाना स्टार्ट करेंगे उनको, तो आज हम लोग वही व्हील चेयर परचेस करने जा रहे हैं। तो हर बार आपने मेरी शॉपिंग अलग तरीके की देखी है, आज अब ऐसी वाली शॉपिंग देखी, तो अभी हमारा यही चल रहा है, हम या तो व्हील चेयर लेने जाते हैं, बेडशीट लेने जाते हैं, हॉस्पिटल बेड अरेंज करने गए हैं, या यही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी तो फिलहाल। एंड यस, तो आज मंडे है, महादेव जी का दिन है, वो जो फेज हुआ था शंकर जी के सामने तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक वो बिलीव है कि शंकर जी उनको ठीक करने वाले हैं। अभी हम आए हैं सिटी, तो जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड या सर्जिकल से रिलेटेड जो भी सामान होता है ना वो यहाँ बहुत अच्छे रेट पे और मिल भी जाता है इजीली। तो ये रहा विक्की। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आजकल की बिजी लाइफ में प्री मेच्योर ग्रे होना बालों का बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत कम एज से ग्रे होने लगते हैं। ये जो प्री मेच्योर ग्रेइंग है ये काफी सारे रीजन की वजह से अराइज होता है, लाइक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, वेदर कंडीशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले के लोग क्या करते थे, नेचुरल डाई यूज करते थे, नेचुरल डाई मतलब हिना को वो लोग रात भर गला के रखते थे, उसमें शीगाकाई और बहुत सारी चीजें मिलाते थे एंड देन फिर अपने बालों में अप्लाई करते थे ताकि उनके बाल हेल्दी रहें काले रहें। हमने हमारी मम्मियों को दादियों को नानियों को इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करते हुए देखा है, आई एम श्योर काफी लोग अभी ये करते भी होंगे। कि हिना को लगाना एक बहुत ही बड़ा झंझट भरा काम होता है, उसको रात भर आपको गला के रखना होता है, देन फिर उसमें चीजें मिलानी होती है, फिर वेट करना पड़ता है, फिर यू नो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में ये टाइम हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन हम उस तरीके का मेथड जरूर अपने बालों में चाहते हैं। सो मामाअर्थ ब्रिंग्स टू यू आर रेडी टू यूज नेचुरल हिना पेस्ट एंड हिना हेयर ऑयल। तो ये जो नेचुरल हिना पेस्ट है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हिना, डार्क रोस्ट कॉफी, इंडिगो ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो ये जो हिना पेस्ट है ये आपके बालों को हार्श केमिकल से तो बचा ही बचा रहा है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही अच्छे अच्छे हर्ब्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मंजिष्ठा, रीठा, शिकाकाई एंड मेथी। ये आपके बालों को नरिश एंड कंडीशन भी करेगा फॉर अ हेल्दी लुकिंग हेयर। क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को, साथ ही साथ आपको एक डार्क रिच कलर प्रोवाइड करता है आपके बालों को। ये रेडी टू यूज हिना पेस्ट है, इसमें प्री मिक्स वगैरह आपको नहीं करना होता है, आपके बालों को कंडीशन एंड नरिश करता है। ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, मतलब ये मेड सेफ सर्टिफाइड होने का मतलब ये होता है कि एक तरीके का प्रूफ है कि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स टॉक्सिन्स ये सब नहीं है। जो हिना हेयर ऑयल है इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। इसके अंदर मिला हुआ है हिना, इंडिगो ऑयल एंड कॉफी ऑयल। के अंदर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इंडिगो ऑयल है जो कि आपके डैंड्रफ को ट्रीट करता है, कॉफी ऑयल मिला हुआ है जो कि आपके टेक्सचर को एनहांस करता है। तो ये ऑयल क्या करता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग को डिले करता है, आपके स्कैल्प और हेयर को नरिश करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मामाअर्थ का हिना पेस्ट अप्लाई किया तो उसके कलर को एनहांस करता है एंड साथ ही साथ अगेन ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो आइए देखते हैं कि इसको हमको लगाना किस तरीके से है। तो ये जो प्री मिक्स्ड हिना पेस्ट है इसको आपको बाउल में निकालना है, अच्छे से इसको स्टर कर लेना है एंड देन अपने बालों में लगाना है। इसको आपको 1 से 2
दो घंटे तक अपने बालों में छोड़ना है एंड देन पानी से वॉश करना है। उसके बाद आपको मामा अर्थ का हिना हेयर ऑयल लगाना है ताकि आपके बालों में एक अच्छा रिच डार्क कलर पेस्ट का आए। एंड साथ ही साथ जब आप ऑयल लगा लें उसके बाद आपको वॉश करना है शैम्पू से कुछ आवर्स के बाद। जब आप इसको ओपन करते हैं तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर आपको यूज़ कर लेना है एंड उसको आपको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है। सो मेरे बालों में हार्डली कोई ग्रे हेयर है, बहुत ही इक्का दुक्का है, तो आपको इतने अच्छे से डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट लुक एट दिस शाइन एंड क्वालिटी ऑफ माई हेयर। तो लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी, चेक जरूर करिएगा। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड साथ ही साथ मामाअर्थ की ऐप पे। मामाअर्थ ने अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा iOS एंड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। ऐप यूजर्स रहेंगे उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा सेल्स का एंड हैंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लान। इसके पीछे का पर्पस ये है आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पापा का वो इलेक्ट्रिक बेड है तो वो काफी एक्सपेंसिव आता है, इतनी मुश्किलों से जुगाड़ किया है उस बेड का, बहुत मतलब खरीदने भी जाते तो वो 90,000 के ऊपर 90,000-1,00,000 के ऊपर आता है। तो मतलब वो तो बस ये बोल लो कि चमत्कार ही हुआ है कि हमको वो मिल गया है, हमने इतने लोगों से कैसे तैसे करके जुगाड़ किया है, रिक्वेस्ट किया है, तब जा करके वो अरेंज हुआ है। तो उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो जो बेड है वो हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है, दूसरा जो केयरटेकर है तो फुल टाइम केयरटेकर मैंने नहीं रखवाया है क्योंकि यार हम लोग घर में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते। तो हमारा जो केयरटेकर है वो सुबह आता है 8:30 पे, तो जिसमें क्लीनिंग स्पंजिंग और ये सब हो जाता है पापा का, और उसके बाद हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं 10:00 पे, तो तब तक केयरटेकर 11:30-12 बजे तक रुकता है और दिन भर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं और मम्मी मैनेज कर लेते हैं। और शाम को हम लोगों ने केयरटेकर रखा है आधा एक घंटे के लिए, वही क्लीनिंग व्लीनिंग करने के लिए, पापा को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा देता है वो और फिर हम उसको भेज देते हैं। फिर रात का जो पूरी रात भर की केयरटेकर होती हूँ वो मैं होती हूँ, तो उनको अभी क्या करवट वरवट दिलवाने में थोड़ी हेल्प लगती है हमारी, तो वो सब करवाना रहता है उनको, थोड़ा सा शिफ्ट करना होता है, ये करना होता है। मतलब जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे ना और दो वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ, दो लोगों की ज़रूरत पड़ती थी पापा को शिफ्ट करवट दिलवाने में, ऊपर खींचने में, नीचे खींचने में, ये सब करने में, तो मैं इतना टेंशन में आ जाती थी। मैं सोचती थी यार मैं घर चली जाऊँगी, वो तो मुझे पता था कि केयरटेकर तो रखना ही पड़ेगा, बट मैं सोचती थी एक केयरटेकर कैसे होगा रात भर के लिए, कंफर्टेबल नहीं होते ना ऐसे कोई अननोन पर्सन, मम्मी और हम रहते हैं तो कौन क्या है। तो मैं मतलब लिटरली ये प्रे करती थी कि भगवान इतनी स्ट्रेंथ दे दे मेरे अंदर कि मैं अपने पापा को खुद अकेले हैंडल कर सकूं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो टाइम के साथ हो भी गया, मतलब अब उनने भी वो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वो खुद से भी चीजें हमको मतलब मुझे इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और आई रियली डोंट नो, मतलब मेरी मम्मी और बुआ भी जब उनको शिफ्ट करती है ना चादर से, मतलब उनको खींचना पड़ता है कभी लेफ्ट कभी राइट स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा सा इधर से उधर से, तो वो दोनों नहीं कर पाती है, लेकिन मैं अकेले वो चीज मैनेज कर लेती हूँ। तो उस चीज की मुझे खुशी है कि वो स्ट्रेंथ आई है या जो भी भगवान ने शक्ति दी है या जो भी हुआ है तो उससे मैनेज हो जाता है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही हम लोगों को मैनेज करने में रात में, तो रात में आराम से मैनेज हो जाते हैं। विक्की गया है अभी व्हील चेयर परचेज करने के लिए। हम लोगों ने अभी जो कॉटन होता है और ये स्टैंडिंग मतलब खड़े होने के लिए जो ये सपोर्ट के लिए चलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेरा एकदम दिमाग से निकल गया है, तो वो स्टैंड लिया है और साथ में व्हील चेयर परचेस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अजीब भी लग रहा है ये सब लेने में, खुला है तो हमने परचेस ही कर लिए, बहुत अफोर्डेबल रेट में हमको मिल गया ये सारा सामान। तो भगवान ना करे किसी को भी जरूरत पड़े इन चीजों की, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो लक्की सर्जिकल करके शॉप है हमीदिया रोड पे, बहुत अफोर्डेबल है। ये सारी चीजें जब हमारा काम हो जाएगा ना तो या तो आप डोनेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अदरवाइज आपको अगर पैसों की जरूरत है तो 50% कॉस्ट पे आप रिटर्न करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। सो इट्स लाइक दैट, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, ये बिल वगैरह हमको मिल गया है तो अब हम घर निकलते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ, घर पहुंच गई थी मैं और अभी मैं निकली हूँ, एक घंटा सो भी ली क्योंकि रात में क्या होता है ना कि थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब इन द सेंस मीन्स, क्योंकि मैं पापा के पास सोती हूँ तो उनको 2-3 बार उठते हैं वो, तो उनको चीजें करना, गर्म पानी की वो बैग होता है, हॉट वाटर बैग होता है वो देना, ये सब चीजों में थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हो जाती है ऑब्वियसली। तो मैं दिन में सो लेती हूँ या सुबह थोड़ा देर तक सो लेती हूँ, बट क्योंकि आज मंडे था तो मैं सुबह देर तक नहीं सोई। सो आज मैं अभी क्या करने जा रही हूँ, जब से हम घर पे आए हैं ना तो यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि हमने घर चेंज किया है,
जिनको नहीं पता है, जिन्हें अपडेट नहीं देखा होगा, उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने अपना जो घर है वो शिफ्ट किया है। तो अब क्या है हमारा, ऑब्वियसली आप घर शिफ्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, जिसमें से आप जब 20-22 साल किसी घर में रह रहे हो, वहाँ से अपना घर अचानक से ऐसे शिफ्ट कर दो तो आपके जो हेल्पर होते हैं वो चले जाते हैं, और भी बहुत सारी सिस्टम आपका थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो अभी भी हमारा घर बहुत अच्छे से जमा नहीं है, सच बता रही हूँ, क्योंकि हम ऑब्वियसली पापा के उसमें ही लगे हुए रहते हैं और फिर इतना थक जाते हैं दिन में, तो 1-2 घंटा रेस्ट भी ज़रूरी है। भाई मम्मी को तो मैं रेस्ट ही करवाती हूँ, मैं बोलती कोई ज़रूरत नहीं अभी सब काम करने की, छोड़ो सब सही है एकदम। मेरी मम्मी की जो हेल्पर थी वहाँ पर, जब हम तुम्हारा सारा काम करवाते थे, वो लाइक बर्तन झाड़ू पोछा एंड कपड़े, तो अभी मेरी मम्मी ना पिछले हमारे यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है। ऑल दो उन्होंने चेंज करी थी अभी 4 साल पहले, पुरानी वाली तो खराब हो गई थी, तो तब भी सेमी ऑटोमेटिक ली, क्योंकि हम लोगों ने बोला पानी ज़्यादा लेती है ऑटोमेटिक, ये वो ऐसे ऐसे करके, तो सेमी ऑटोमेटिक ले ली थी। तो अभी यहाँ पर ना हमको कपड़े वाली मेड नहीं मिली है, हेल्पर नहीं मिली है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरी मम्मी, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मत धो मैं धो लिया करूँगी, ऑल दो मशीन में ही धो रहे हैं, बट स्टिल सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, बार बार झुको, कपड़े निकालो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो वो बोलती तो नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर रही है, बट डेली मतलब हर अल्टरनेट डेज में उनके बैक में पेन हो रहा है और वो मुझसे स्प्रे लगवाती हैं, तो वो बोलती नहीं, कहती नहीं पेन नहीं हो रहा है, भारीपन लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, बोल एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। तो मैं बहुत दिन से ही सोच रही थी कि मुझे वो लेना है, बट पेरेंट्स होते हैं ना, अभी तुम्हारा वैसे ही इतना खर्चा हो गया है इसमें उसमें, तो अवॉइड कर रहे थे उसको। तो मैंने बोला आज तो मैं, कल जब उन्होंने मैंने स्प्रे लगाया तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए मैं जा करके सेमी जो ऑटोमेटिक है वॉशिंग मशीन वो लेकर के आती हूँ, भाई ऐसे थोड़ी ना उनको भी फालतू में कुछ पेन वेन स्टार्ट हो जाएगा, वो तो नहीं बोलने वाली है कि मेरे को पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ये हो रही है, तो मैं जाकर के आज वही लेकर के आ रही हूँ। तो विक्की का, क्योंकि आज मंडे है, विक्की की बहुत बैक टू बैक कॉल्स वगैरह है, वो भी बिजी रहता है, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ, तो वो करने के लिए जा रही हूँ आज मैं, तो जो भी आसपास इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स हैं वहां पर जा रही हूँ, तो अभी मैं बाहर आकर के खड़ी हुई हूँ। मैं बहुत सारे जो कॉल्स हैं वो बहुत अवॉइड कर रही हूँ, मतलब ये वीडियो देखने के बाद पता नहीं कितने लोग तो मुझे चिल्लाने वाले हैं मैसेज करके, क्योंकि मैं लिटरली इंटेंशनली बहुत सारे कॉल्स अवॉइड कर रही हूँ। उसका सबसे मेजर रीजन ये है कि आई डोंट वांट पीपल टू कॉल मी एंड देन से अरे बाप रे ये क्या हो गया, ओह शिट क्या बात कर रही है, मतलब इस तरीके के लोगों से मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरे कितने भी क्लोज फ्रेंड हो, अभी के टाइम पे कितने भी क्लोज फ्रेंड हो, आई एम अवॉइडिंग यू नो टॉकिंग विथ यू इफ यू आर इन टू इवन 0.5% भी नेगेटिव टोन में हो या इस तरीके के हो। मैंने ये चीज़ देख लिया था मेरी मम्मी के टाइम पे, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स हैं कुछ घर पे आए थे तो अरे आंटी कितनी पतली हो गई हो आप, भाई अभी 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, तुम किसी के सामने ऐसे बोलोगे कि अरे आप कितना कमजोर हो गए हो, ध्यान नहीं रखते हो क्या, तो थोड़ा सा ब्रेन यूज करना चाहिए कि किसके सामने कैसे बात करना है, क्या बात करना है। और अभी मेरे साथ में भी ऐसा, मतलब मेरे पापा के ऑफिस के भी 2-3 ऐसे लोग आए जो मतलब एकदम नेगेटिव स्ट्रीम लाइन में, अरे अब तो उम्र हो गई, अब एक बार इंसान का हॉस्पिटल का चक्कर लगता है तो लगता है, मतलब इतनी गुस्सा आती है मुझे इस तरीके के टोन में जो भी बात करता है। देन पीपल आर लाइक अरे अब तुम कैसे मैनेज करोगी, तुम्हारा घर क्या होगा, यार इस टाइम पे मैं घर सोचूंगी क्या कि मेरा घर खराब होगा या क्या खराब होगा, तो मैं सामने वाले से सीधा क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन की बात करो, फिर सामने वाले के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता तो ये बकवास मत करो कि आप समझ रहे हो, मतलब आई एम नॉट भाई, मैं तुमसे किसी से भी विद एनी वन आई एम नॉट asking for any kind of help, तो at least now I'm expecting कि अगर आप मुझे call कर रहे हो या मुझसे बात कर रहे हो तो if you are, एक आप अच्छी चीज मुझे दे सकते हो, वो दे सकते हो हिम्मत। इसीलिए जब मेरे पापा का हॉस्पिटल में थे ना वो, तो मैं ऐसे लोगों से, मैंने चूज कर रखे थे लोग, मैं ऐसे लोगों से बात कर रही थी, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ यार अंकल एकदम ठीक हो जाएंगे, तो बहुत छोटी चीज है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रही थी, मैं इन लोगों से बात कर रही थी जो मुझे बता रहे थे अरे हमारे पापा के साथ तो इतना बड़ा सिचुएशन हुआ था, सब ठीक हो गए थे 6 महीने में, ऐसे लोगों से बातें कर रही हूँ मैं, समझ रहे हो आप, जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, जो मुझे पावर दे रहे हैं, मुझे और वीक नहीं कर रहे हैं, जिनको कुछ लोगों को तो मम्मी और हमको बोलना पड़ता है, हमारे घर आते ऐसी बातें करते तो मम्मी बोलती नहीं नहीं वो तो एकदम ठीक हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं, हम लोगों को भाई हम जैसे तैसे इतने माइंड से स्टेबल एंड स्ट्रांग हुए हैं, सो आई डोंट वांट कोई आए और उसमें मेस क्रिएट कर दे, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट पिकिंग अप द कॉल। ऐसा नहीं कि मेरी किसी से दुश्मनी हो गई या कोई ग्रजेस है या कुछ है, बट मैं अभी बात करना अवॉइड कर रही हूँ। तो यस अभी निकलती हूँ फटाफट से, देखते हैं कौन सी वॉशिंग मशीन मैं सिलेक्ट करूंगी, मैं सोच रही हूँ जो मेरे घर पर है सैमसंग की मैं वही देखती हूँ और जाकर के कि क्या ऑफर मिलेगा एक्सचेंज का एंड ऑल दैट, सो या लेट्स गो। अभी मुझे जाना है जीटीपी कॉम्प्लेक्स और मैं पता नहीं कोई अलग ही कॉम्प्लेक्स आ गई हूँ, तो अब यहाँ से निकल करके मतलब ये पूरा ज्वेलर्स का वो है,
तो मेरे पापा ने एक जगह बताई है, वहाँ पर जाकर के देखती हूँ, क्योंकि डीबी मॉल में तो कुछ भी नहीं मिला है। मतलब वही है, सारे जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से हाई प्राइस की तरफ हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू जीटीबी कॉम्प्लेक्स, लेट्स सी, वहाँ पर देखती हूँ एक कोई शॉप बताई है परफेक्शन करके, तो वहाँ और लास्ट चेक करते हैं, अदरवाइज फिर ऑनलाइन ही बुलवाएंगे। ओके, सो जो वॉशिंग मशीन हम लोगों ने खरीदी है वो है सैमसंग की डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वॉबल वाली है। सो इट्स अ नाइस डिसेंट वॉशिंग मशीन, काफ़ी सही हमको प्राइस में मिल गई थी। तो इसका जो वेट है और मतलब जो इसकी कैपेसिटी है, दैट इज़ 6.5। गाइस, सो अभी जा रही हूँ मैं एक और डॉक्टर के पास पापा की सारी रिपोर्ट्स लेकर के। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी मैं आई थी होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि अब जो सिचुएशन है पापा की वो ये है कि उनकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं चल रही और इसकी कोई अब दवाई भी नहीं है। अब सिर्फ जो मूवमेंट है वो फिजियोथेरेपी के थ्रू आएंगे। और कल शंकर जी की शिवरात्रि पड़ी थी और कल ही फर्स्ट डे पापा बैठे थे आधे घंटे के लिए। मतलब पिछले 28 डेज में कल व्हीलचेयर तो हम बहुत दिन से, मतलब हमारा इतने दिन से प्लान चल रहा है व्हीलचेयर आने का, बट कुछ ना कुछ हो जा रहा था। विक्की बीच में मुंबई निकल गया था, तो हम लोगों ने सोचा नहीं विक्की को आने देते हैं, क्योंकि विक्की भी बहुत फिजिकली चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, वो भी व्हीलचेयर लाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी तो हम लोग नहीं लेकर के आए। सैटरडे पड़ गया था तो सैटरडे को हमारे लोहा नहीं लेते हैं। संडे गए, संडे को बंद हो गया था, मतलब जो संडे को सारा जो भी मार्केट था वो बंद था, तो हम नहीं लेके आ पाए। मंडे को फाइनली आई और ट्यूसडे को ही बैठे। तो मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ, उस टाइम क्या हुआ, मतलब हम सब लोग बस भगवान का ही नाम ले रहे थे कि पापा बैठ जाए थोड़ी देर, बैठने का मतलब वो 2 मिनट 10 मिनट भी बैठ जाएंगे ना तो फिर हमको पता चल जाएगा धीरे 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 वो बैठने लगेंगे और उनको उतना पेन ना हो जैसे फर्स्ट डे बैठाने पे उनको बहुत खतरनाक पेन हुआ था। वो बैठे और मम्मी अंदर गई शंख बजाने के लिए, तो जनरली होता है वो घर पे बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि शंख बज जाए, बट उनका शंख नहीं बजता था। एंड कल द मोमेंट मेरे पापा चेयर पे उनको बैठाया है और मम्मी का अंदर से शंख बजा था, मतलब ऐसे गूजबम वाला जो मोमेंट नहीं होता है वो इतना अच्छा लग रहा था। मतलब हम लोग इतने खुश हो रहे थे कि पापा हमारे बैठ पा रहे हैं। मतलब एक्चुअल खुशियां जो है ना वो ऐसे मोमेंट में समझ में, ऐसे टाइम पे आपको समझ में आती है कि जो लाइफ की रियल हैप्पीनेस है वो क्या है। तो बस यही हुआ है, कल हम लोग बहुत खुश हुए। फिर हम लोगों ने रात में भगवान के मंदिर गई, मैं प्रसाद वगैरह चढ़ाया, सबको प्रसाद दिया, तो अभी तो हम लोगों को ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सो वही है, और अभी तो देखो व्लॉग में तो इसी तरीके का व्लॉग ही आप देख पाएंगे। मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जो सिट डाउन वीडियोज़ आइडियाज़ होते हैं ना, शायद इतना सब होने की वजह से ना मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे हैं। कि गाइस अब ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं। सबसे जो बेस्ट चीज़ हुई है ना लाइफ की वो ये हुई है कि आई वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर व्हीकल। मतलब गाड़ी तो मैं टू व्हीलर चला लेती हूँ, बट मैं कार के लिए डिपेंडेंट थी। आपके घर में जो भी गाड़ी है ना वो आपको आना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिकॉज हमारे यहाँ सारी जितनी भी गाड़ियाँ सब गियर वाली है, कोई सी भी गाड़ी हो, इतने पिछले 27 दिनों में मैंने ऐसी ऐसी जगहों से जहाँ मैं अवॉइड करती हूँ टू व्हीलर ले जाना, मैं उन जगहों पर भी कार ले गई हूँ, क्योंकि सिचुएशन थी भाई ऐसी, बारिश मूसलाधार हो रही है, मुझे अकेले को जाना है, विक्की गया हुआ है मुंबई, कोई और है नहीं, पापा जी को आप भेज नहीं सकते हो, तो मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर से मैंने गाड़ी निकाली है और चलाई है कि तो बस मैं एट दी एंड यही बोलना चाहूंगी, ये जो सिचुएशन है ना इसने मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। आज का जो वीडियो है ना वो यही खत्म करते हैं, घर पहुंच गई हूं मैं। यस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।